अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है वो संडे है और संडे सबके घर में कुछ ना कुछ स्पेशल बन रहा होता है। तो आज हमारे घर में जो है ना वो मटन पाए बन रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह मियाँ जी ने फरमाइश कर दी थी मटन पाए की। और फिर मौसम भी चेंज हो गया है, ठंड कराची में थोड़ी थोड़ी आ गई, तो इस मौसम में खाने में भी मज़ा आता है। तो खैर, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पाए की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, व्लॉग में आज क्या क्या हो रहा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो जो एंड तक देखनी है, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारी न्यू वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो रिसीव हो जाए। तो बस बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम अपने मटन पाए की रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। और पहले स्टेप में जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे ना पाए चढ़ाने के लिए, वो मैं आपको पहले बता रही हूँ, जिसकी हमने पोटली बनानी है। सही है, 2 टेबलस्पून जो है ज़ीरा लिया है मैंने, 3 अदद जो है बादियान के फूल हैं, 3 जो है तेज़पात के पत्ते हैं, 12 से 14 अदद लौंग होगी, जायफल जवेत्री हमें चाहिए होगी, और 3 चम्मच जो है हमें सौंफ चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो हल्दी ली है, और नमक अभी हम जो है 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 चम्मच ऐड करेंगे। उसके बाद आप हस्बी ज़रूरत जो है वो ऐड करेंगे। बाकी 6 अदद मैंने बकरे के पाए लिए हैं, और उसके साथ ये नरली है और हड्डियां हैं कुछ बकरे की, उससे जो है ना, क्योंकि बकरे के पाए में जो है ना वो लेस ज़्यादा नहीं आता है, तो लेकिन जो हड्डियों का और नरली का जो जूस निकलता है ना वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, 1 किलो के करीब जो है ना वो मैंने बकरे का गोश्त भी लिया है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ड्राई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इसके मलमल के कपड़े में जो है ना हम पोटली बना लेंगे इसकी। इसको मैं तोड़ के डाल देती हूँ। अब इसकी आप लोगों ने ना अच्छी तरीके से बांध के पोटली बना लेनी है। ये हमारी पोटली तैयार हो गई है। अब इसको हम जो है ना ऐड करेंगे अपने भगोने के अंदर या पतीली जिसमें भी आप बना रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसके अंदर पाए ऐड कर देंगे। अब इस पाए के अंदर हमने जो है ना गलाने के लिए पानी ऐड करना है। पानी इतना ऐड करना है कि ये बॉईल होते हुए जो है ना, ये मतलब ये डूब जाए आपके पाए सारे। अब मैं एक और बाउल ऐड कर रही हूँ इसके अंदर पानी का, साथ साथ मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो हल्दी ऐड कर रही हूँ, जो मैंने नमक जो मैंने लिया था वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और जो हमने पोटली बनाई थी ना वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, सारे जो फर्स्ट स्टेप में इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब हमने फ्लेम ऑन करना है और इसको बस चढ़ा देना है, और 80% जो है ना जब ये पक जाएगा इसके बाद फिर हम बकरे का गोश्त ऐड करेंगे और फिर बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो अब हम इसको जो है ना पकाने के लिए छोड़ देंगे। पाए मैंने चढ़ा दिए हैं, और जो है ना आपको मैं गैस का आलम दिखाती हूँ। अब अल्लाह करीम। अच्छा, मैं अब थोड़ी देर मतलब 1.5 घंटे हो गए हम लोगों को पाए चढ़ा के, तो अब हम लोग देखते हैं कि किस कंडीशन में ये पहुँचे। अभी देखें, इन्होंने लेस छोड़ना जो है ना वो शुरू कर दिया है, लेकिन अभी ये गले नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग इसमें गोश्त ऐड नहीं करेंगे। 80% एटलीस्ट पके हुए होना चाहिए, क्योंकि बकरे का गोश्त जो है वो जल्दी गल जाता है। तो अभी हम लोग इसको जो है ना ढक के रख देंगे, बाकी हम जो है मसालों की तैयारी करते हैं जब तक ये पक रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हम लोग अपने सेकंड स्टेप की तरफ आ गए, जहाँ पर हम लोग को अपना मसाला तैयार करना है पाए का। ठीक है, अच्छा, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो मैं ले रही हूँ ना वो है, यहाँ पर मैंने लिया है गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करी है। तो ये इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मुझे बाहर के गरम मसाले पसंद नहीं, तो इसलिए मैं जो है वो ऐड नहीं करती। ये है 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च यानी 1 खाने का चम्मच, 2 चमचे जो है पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, 1 चम्मच जो है हल्दी हमें चाहिए होगी यानी 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हमें हसबे ज़रूरत चाहिए होगा। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है, जो कि 3 चम्मच मैंने लिया है यानी 3 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट,
और ये मैंने 2 अदद प्याज जो है ना बड़े साइज़ की, दरमियाने साइज़ की सॉरी, वो मैंने जो है फ्राई कर ली है। मैंने पहले से फ्राई करके रख ली ताकि वीडियो बनाने में टाइम बच जाए हमारा। हाफ कप जो है ये भुने हुए चने हैं, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है इसका। एक बड़े साइज़ की प्याज जो है वो मैंने ग्राइंड करी है, बिल्कुल पेस्ट बना लेना है आपने इसका। इस तरीके से ना आप लोगों ने चने का पाउडर बनाना है बिल्कुल, और ये जो है ना भुने हुए चने का पाउडर भी रेडी हो गया। अब हम लोग जो है ना बाकी का स्टेप जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने एक पतीली ली है जिसमें हमने मसाला तैयार करना है पाई के अंदर डालने के लिए। तो ऑयल में वही ले रही हूँ जिसके अंदर मैंने प्याज फ्राई करी थी, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल में और ऐड करूँगी इसमें, कुछ लोगों को ऑयल जो है वो कम पसंद होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने बस ऐड करना है। तेल गरम है हमारा, तो इसके अंदर अब मैंने जो प्याज ग्राइंड करी थी ना जिसका पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमारी गैस जो है वो कम आ रही है और गैस बीच में गायब हो जाती है, तो इसलिए जो है ना वो मसाला मैं जल्दी बना रही हूँ। और जितनी भी आ रही है उसमें अब आपने पकाना तो है ही ओबियसली, फिर वरना पाए बनने में टाइम लगता है तो बहुत देर हो जाती है। तो ये थोड़ा सा जब फ्राई होने लगेगा ना तो इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। अब इसके अंदर इस बॉइलिंग पॉइंट पे ना जब ये फ्राई हो रही होगी हल्की सी, तो आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। देन इसके साथ साथ जो है ना हमने जो प्याज फ्राई करी थी उसको आप लोगों ने हाथों से क्रश कर लेना है, इसको हाथों से पीस के, और उसके बाद फिर जो है ना इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और अब इसकी आपने भुनाई करनी है अच्छी तरीके से। अब जब गैस इतनी कम आ रही है, गैस के साथ साथ काम चल रहा है, बस हमारा 5:30 बजे के बाद जो है ना यहाँ पर गैस आना शुरू होती है सही वाली, तो अभी फ़िलहाल जिस तरह से भी आ रही है काम चलाते हैं। अब प्याज के बाद जो है ना हम इसमें सारे जो ड्राई मसाले थे वो ऐड कर देंगे सारे एक साथ, ठीक है। नमक आपने बाद में चेक कर लेना है कम ज़्यादा जो भी होगा, और इसकी भुनाई आपने जब तक करनी है जब तक जो है वो तेल ऊपर ना आ जाए, और जब तेल ऊपर आ जाएगा ना फिर हम इसमें चने का पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले जो है वो नीचे से चिपके ना और जले ना। अच्छा, इस पोजीशन पे देखें हम लोगों ने चने का पाउडर ऐड करना है, क्योंकि अब तेल जो है ना वो हल्का सा ऊपर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा करके ना आप लोग चने का पाउडर ऐड करेंगे ताकि किसी किस्म की लम्स ना बने, और इसकी भी फिर अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी में ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला हमारा लगे ना। अब हमारी मसाला जो है ना वो रेडी हो गया, क्योंकि ऑयल जो है वो ऊपर आ गया। अब हम जो है ना फ्लेम बंद करके बाकी अपने पाई की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि अगर हमारे पाई जो है ना वो गल गए होंगे तो फिर हम जो है इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। पाए ऑलमोस्ट हमारे जो है ना वो 60-70% जो है ना वो पक चुके हैं। ये बकरे का गोश्त ऐड कर रही हूँ सारा। दोबारा से ढाक देंगे ताकि हमारे पाए जो है वो रेडी हों, और उसके बाद फिर एंड में हम वो मसाला ऐड करेंगे। तीनों लगे पड़े हैं माशाल्लाह से मोबाइल पे, सही जा रहे हैं। उठ के जल्दी से नहा लो, और मैं यूनिफॉर्म भी इस्तरी करके रख ले, कल मंडे है स्कूल जाना। अभी पार्क में जाएंगे तो पूरे मट्टी मट्टी हो जाएंगे। पार्क वार्क में कोई भी नहीं जा रहा अभी, बाबा खुद लेके जाएंगे आपको, मैं तो नहीं लेके जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने अदरक और हरा धनिया, नींबू और हरी मिर्चें काट के रखी हैं जो हम लोग ऊपर से डाल के खाते हैं। बाकी पाई की पोजीशन देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जो मसाला मैंने बना के रखा था ना वो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। जो हम लोगों ने मसाला रेडी करा था वो मैं अब इसमें ऐड करने लगी हूँ। कलर देखिए कितना अच्छा आया है, और अब इसको हम बस झाँप के रख देंगे और ये अब पकते रहेंगे।
अब हल्की आंच पे जो है ना आपने इसको छोड़ देना और ये अब अपना पकते रहेंगे और जब पक जाएंगे तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यार ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया, बस थोड़ी देर रहेगी और आमना हम लोग को इतनी शदीद भूख लग रही है। थोड़ा सा रह गया बस 15 मिनट। क्या कर रही हूँ आप इतनी देर से बोल रही हो? 1 घंटा 2 मिनट को बनने वाला। हाँ तो पाई गलने में टाइम लगते हैं बहन। चलो बस थोड़ा सा रह गया, बस रेडी हो जाएगा फिर मैं निकाल लूँ। बाबा तंदूर की रोटियाँ लेने गए हैं ना, आ जाएंगे फिर निकालती हूँ आप दोनों की भी। अच्छा जी अब हमारे पाए जो है ना वो रेडी हो गए हैं, तो अब मैं फ्लेम जो है बिल्कुल कम कर दूँगी और आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। कैसे बने? अच्छे बने। और ये मेरी प्लेट है और मैं जो है ना रोटी चूर के खाती हूँ, मुझे इसी तरीके से अच्छे लगते हैं पाए। और आमना हमना भी ऐसे ही खा रही है रोटी चूर के। खाना खा के फिर हम लोग मिलते हैं। सो रात में जो है मैं वीडियो एंड नहीं कर सकी थी क्योंकि जो है ना थक गए थे, हम लोग सो गए थे। सुबह आमना हमना का स्कूल भी था और मैंने प्रेस इस्त्री वगैरह भी नहीं करी थी बच्चों के यूनिफॉर्म पर। तो खैर बहुत अच्छे पाए बने थे, आप लोग रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखेगा ये वाली, और बहुत मज़े के बने थे। तो अभी वीडियो में यहीं पे एंड करूँ क्योंकि आमना हमना को अभी मुझे स्कूल लेने के लिए जाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।